नमस्ते। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, दैट मीन्स आपका चेहरा आपके मन का दर्पण होता है। आपका मन अगर परेशान है, आपकी शरीर आपका परेशान है, तो आपके चेहरे पे वो हाव भाव दिखाई दे जाते हैं। सो चेहरे की सुंदरता के लिए, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आज एक नया एक अचूक उपाय लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। मैं हूँ नीरजा और आपका वेलकम है मेरे चैनल योगा विद नीरजा से। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कपोल शक्ति विकास क्रिया कैसे की जाती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके पूरे प्रिकॉशन के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आप एंड तक इस वीडियो को देखें। इस क्रिया के करने से बेनिफिट क्या है पहले आप वो सुन लें, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि करना चाहिए। तो इस क्रिया को करने से आपका फेस ग्लो होता है, पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर झुर्रियां आ रही हैं तो झुर्रियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, एजिंग साइंस चले जाते हैं। अगर आपकी नाक बंद है, सर्दी है, तो भी वो रिमूव हो जाती है और चेहरे की जो शाइनिंग है, आपकी हैप्पीनेस है, उसको बढ़ाती है, चेहरे को दमकाती है। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं इस क्रिया को। कपोल शक्ति विकासक क्रिया, कपोल यानी आपके गाल। सो ये आपके गालों के ऊपर काम करती है। इसको करने के लिए आप किसी भी जगह कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरी तरह ऐसे सिचुएशन में बैठे। आप किसी भी स्थिति में बैठे हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं, और बैठे हैं तो आपकी बैक को स्ट्रेट करें। बैक को स्ट्रेट करके बैठ जाएं, पहले थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करें। क्रिया का फायदा तभी होगा जब आप अपनी पूरी बॉडी और मन को शांत कर देंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ इसको एकदम पूरा शांत होने दें, और जब आपका मन और शरीर शांत हो जाए फिर इस क्रिया को करें। तो क्रिया कैसे करेंगे देखेंगे। देखिए, आपके जो दोनों हाथों की 10 फिंगर्स हैं, उन पांचों फिंगर्स को एक दूसरे के साथ 10 के 10 फिंगर्स इस तरह ज्वाइन करेंगे। फिंगर्स को आपस में खोल देंगे और शोल्डर को पूरा स्ट्रेट करेंगे। अब अपने जो थंब है उससे आपके नॉस्ट्रिल को हल्के से बंद करेंगे। नॉस्ट्रिल को बहुत जोर से बंद नहीं करना है, हल्के से बंद करेंगे। बंद करने के पहले मैं आपको दिखाऊं, जब आप बंद कर देंगे तो श्वास को भरेंगे, होठों को चोंच के आकार में करेंगे और वहां से हवा मुंह से भरेंगे। आप पहले इसको बंद करें, शोल्डर को सीधा करें, श्वास को पूरा भरें और श्वास को पेट में नहीं गाल में पूरी हवा भरेंगे। चिन को लॉक करेंगे, सेकेंड रुकेंगे, फिर धीरे से ऊपर आएंगे, हाथ को हटाएंगे और नाक से श्वास को छोड़ेंगे। एक और बार सुनेंगे, आपके मुंह को चोंच के आकार में बनाना है, आपके थंब से नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, श्वास को चोंच यानी मुंह से भरना है, गाल में मुंह हवा भरनी है और फिर नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। मेरे साथ एक बार और, जब आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इसको कोशिश करें ना करें, अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी होल्ड ना करें। अगर आपसे होल्ड नहीं हो रहा तो धीरे धीरे इस होल्ड को बढ़ाएं, लेकिन कुछ समय वहां पे रुकें। कुछ समय रुकने से आपको जो फेस में ग्लो आएगा वो अलग ही होगा। कपोल शक्ति विकासक क्रिया करने से दीर्घायु बनते हैं, प्यास जो है वो शांत हो जाती है, पेट की गर्मी कम हो जाती है, गालों में झुर्रियां कम हो जाती हैं, चेहरा दमकने लगता है और साथ ही बालों का पकना और झड़ना भी कम हो जाता है। इतने सारे फायदे एक छोटी सी क्रिया से। इसको आप सुबह शाम दोनों टाइम भी कर सकते हैं, 5 से 6 बार धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाएं। होल्ड को स्टार्टिंग में कम रखें, फिर धीरे धीरे होल्ड को थोड़ा बढ़ाएं। सो इस तरह इस क्रिया को अभ्यास डेली करें और इसके फायदे देखें और फिर मुझे बताएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगी आपको, तब तक के लिए नमस्ते।